ये इंसान नकली एलिगेटर का कॉस्ट्यूम पहन के असली एलिगेटर के बीच घुस गया और फिर जो हुआ। इनका नाम है गैरी सोरेज। ये प्रोफेशनली एक एलिगेटर ट्रैपर है जो 1000 से भी ऊपर वाइल्ड एलिगेटर्स पकड़ चुके हैं। साथ ही ये गेटर कंपनी के ओनर भी है। एक दिन ये आर्टिफिशियल एलिगेटर के कॉस्ट्यूम पहनकर एलिगेटर से भरे तालाब में कूद जाते हैं जहाँ कुल 45 एलिगेटर मौजूद थे। दरअसल वे ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे आखिर ऐसी कॉस्ट्यूम पहनकर एलिगेटर के पास जाने से इनकी रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले तालाब के किनारे बैठे 11 फीट लंबे एलिगेटर के करीब जाते हैं। तब शुरुआती में एलिगेटर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। फिर जब ये थोड़ा उठते हैं तब तुरंत एलिगेटर पानी में छलांग लगा देता है। इस बार जमीन से ही एक एलिगेटर की पूंछ के साथ छेड़छाड़ करते हैं तब उसका भी सेम रिएक्शन आता है। जब तक वे जमीन में लेटे रहे तब तक एलिगेटर शांत रहा, लेकिन जब ये खड़े हो गए तब वो तुरंत पानी की ओर भाग खड़ा हुआ। जब उन्होंने एलिगेटर की एक ग्रुप के साथ ऐसा किया तब भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन आया। उनका कहना है इस एक्सपेरिमेंट से उनको आगे जाके काफी फायदा होने वाला है क्योंकि इस कॉस्ट्यूम के साथ एलिगेटर उन्हें एक रियल एलिगेटर समझते हैं, इसलिए वे शांत रहते हैं जिससे वे एलिगेटर के एकदम नजदीक जा सकते हैं और उन्हें पकड़ सकते हैं।